subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ZTV के सुपर हिट शो यानी कि कुमकुम भाग्य में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। लेकिन बात की जाए हाल फिलहाल के एपिसोड की, तो देखने को मिला कि किस तरह से रिया अभी भी अपना खेल बरकरार करे हुए है। वो अभी भी कोशिश कर रही है कि प्राची बुरी तरीके से फंस जाए और अभी उससे नफरत करने लग जाए। जहाँ वो भी कुछ ऐसा ही रहा है, अभी ने प्राची को डांट लगा दी और कह दिया है कि तुमने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि अभी ने हर कदम पर प्राची का साथ दिया है। यही नहीं, अभी प्राची की माँ के बारे में भी बहुत कुछ कहने लग जाएगा, जिस बात को सुनकर प्राची को गुस्सा आ जाएगा। वो कहने लगेगी कि वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगी, कि तभी अभी कहने लगेगा कि अब वो तुम्हारी माँ से ही बात करेगा, यानी कि प्रज्ञा से। फिलहाल आपको बताएं कि शो के अंदर जल्द ही एक बहुत बड़ा खुलासा होगा और ये खुलासा जुड़ा हुआ है रिया के नाटक से। रिया का नाटक जल्द ही प्रज्ञा के सामने सबसे पहले आने वाला है। प्रज्ञा को पता चल जाएगा कि रिया एकदम सुरक्षित है और ये सब कुछ उसने षड्यंत्र बनाया था प्राची को फंसाने के लिए, ताकि प्राची सभी की नज़रों में गिर जाए। जिसके बाद प्रज्ञा का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो रिया को डांट लगाते हुए उसको सबक सिखाने वाली है। तो वहीं पर अभी को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो प्राची से माफ़ी मांगेगा। अब आगे देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि जब ये दोनों सिचुएशन सॉल्व हो जाती हैं तो क्या फाइनली अभी और प्रज्ञा की मुलाकात हो जाएगी, क्या अभी को पता चल जाएगा कि प्राची उसकी बेटी है, और क्या प्रज्ञा को पता चल जाएगा कि रिया उसी का खून है। बल्कि आप कुछ होगा आने वाले एपिसोड में और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कहानी, इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ मिशन की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.